कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन समाज में ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपनी मेहनत और लगन से बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं। सिंगरौली में शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक शरद पांडे ने निस्वार्थ भाव से अनूठा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वे अपनी बाइक में बोर्ड और लाउडस्पीकर लेकर गांव-गांव बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है, जिससे संक्रमण से सभी को बचाया जा सके। लेकिन अब सरकार ने कुछ छूट दे दी है, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। विंध्यनगर स्थित शाहपुर शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक शरद पांडे ने एक अनूठा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत उन्होंने बाइक पर बोर्ड और लाउड स्पीकर लेकर गांव-गांव जाकर पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया है। उनकी इस पहल से बच्चों के अभिभावक बेहद खुश हैं। बच्चे भी शिक्षक शरद पांडे द्वारा पढ़ाए जाने को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और लोग उनके इस कार्य की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक शरद पांडे बच्चों की पढ़ाई में उपयोग होने वाली आवश्यकताओं को भी अपने ही वेतन से पूरा कर रहे हैं। सर, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे विद्यालय के बच्चे हैं और इन्हीं के वजह से हम हैं, तो इनके लिए जितना कुछ हो सकता है, अधिकतम जो मेरी क्षमता काम करती है, उतना करने का प्रयास करता हूँ। लॉकडाउन के कारण ये COVID-19 की भारी समस्या की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत नुकसान हो रही थी। शुरू में ही मार्च में जब लॉकडाउन घोषित हुआ, परीक्षाएं नहीं हो पाई बच्चों की, तो सबसे पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, विज्ञान चूँकि मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने विज्ञान मित्र क्लब शाहपुर अपने विद्यालय के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बच्चों की पढ़ाई निरंतर होती रहे इसके लिए प्रयास करता रहा। लेकिन व्हाट्सएप की अपनी सीमाएं हैं। व्हाट्सएप से भी मैंने बहुत सारे बच्चों के पास, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं था, तो मैंने अपने पुराने छात्रों की मदद ली। पुराने छात्र जो अब कहीं ना कहीं जॉब में हैं, उनके घर के आसपास जो बच्चे रहते हैं, मैंने उनको जोड़ने के लिए उनका उपयोग किया। फिर भी व्हाट्सएप की अपनी सीमाएँ हैं। उनको देखते हुए जब सरकार ने ऐलान किया कि मोहल्ला कक्षाएं ली जा सकती हैं, मोहल्ला कक्षाओं में भी चीज़ों को समझाने के लिए बहुत दिक्कत हुआ करती थी कि हम कैसे अधिकतम समझ बना सकें अपने बच्चों की। गाड़ी में स्टैंड लगाए होते हैं और व्हाट्सएप में भेजते हैं, कैसे पढ़ाना है सब समझाते हैं, और मोहल्ले में नहीं जाते, ग्राउंड में पढ़ाते हैं। हम लोग को बहुत समझ आता है, उसको दोबारा समझाते हैं हम लोग को। सर हमको बोर्ड से पढ़ाते हैं और अपने हमारे लिए स्टैंड लगाए और हमको स्पीकर से पढ़ाते हैं, और जहाँ आवाज़ हम लोग को दूर दूर तक सुनाई देती है। और सर हमारे साथ 24 घंटा रात दिन पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सर जो हमको नहीं बनता है वो भी बताते हैं। और मैंने पढ़ने के खातिर एक मोबाइल भी ख़रीदा, और सर हमारे मोबाइल में नेट रिचार्ज सब डलवाते हैं, और जो हमको नहीं बनता वो भी सर बताते हैं, और मोहल्ले ग्राउंड में सब बच्चों को इकट्ठा करवा के बुलाते हैं और अच्छी तरह से हमको पढ़ाते हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।